ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। इतना टाइम लगता है ऑर्डर लाने में? सर हम फ्रेश बनाते हैं तो इतना टाइम लग ही जाता है। तू मुझे बताएगा कि कितना टाइम लगता है और कितना नहीं? ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक मिनट लगेगी जॉब से निकलवा लेंगे। सर आप तो काम का गुस्सा कर रहे हो, और मैंने किया क्या है जॉब मुझे जॉब से निकलवाओ? अच्छा क्या किया है? ये तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये कम है क्या? सर मैंने आपसे कब बदतमीजी की? मैंने तो बस आपका ऑर्डर ला के दिया। अच्छा ऑर्डर लेके आए? एक मिनट रुक, तुझे तेरी औकात मैं बताता हूँ। कितने पैसे हुए? सर 500। 500? सुन ये रहे तेरे ऑर्डर के पैसे, उठा और निकल यहाँ से। सर मैंने आपका ऑर्डर आपको इज्जत से दिया है, तो आप मुझे इसके पैसे भी इज्जत से दीजिए। अच्छा इज्जत और तेरी? तुम जैसे वेटरों की असली औकात हम जैसे कस्टमरों के पैरों में होती है, समझा? तो ये पैसे उठा और चल निकल यहाँ से। सर आप ये पैसे मुझे हाथ में दीजिए। तू तुझे हाथ में पैसे? क्या हुआ? ये अपने रेस्टोरेंट में कैसे वेटर रखे हुए हैं? इन्हें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है। क्या हुआ मनीष? सर मैं तो बस इनका ऑर्डर लेके आया, थोड़ा लेट क्या हो गया, मुझ पर चिल्लाने लगे। सर हम अपने कस्टमर को पहले ही बताते हैं कि जितना टाइम लगेगा, और ऑर्डर बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में रेगुलर कस्टमर बना रहा हूँ, तो इसको अभी के अभी जॉब से निकालो, नहीं तो एक ना एक दिन ये तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा देगा। और वैसे भी मैं तो इसको पैसे दे रहा था, इसने लिए ही नहीं। ऐसे कौन पैसे देता सर? मैं देता हूँ। और वैसे भी इन जैसे वेटरों की असली औकात हमारे पैरों में होती है, और अगर वेटर की जॉब कर भी रहा है तो नीचे से उठा भी लेगा तो क्या हो गया? ये नहीं उठाएगा पैसे। क्यों भाई? क्योंकि भले ही ये वेटर की जॉब करता है पर इज्जत का कमा के खाता है, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे, और जितनी इज्जत तुम्हारी है ना उतनी इसकी भी है, तो ये पैसे नहीं उठाने वाला। अच्छा और अगर ना उठाओ तो? नहीं उठाओगे तो जाने का रास्ता उधर से, आप जा सकते हो। अच्छा आप अपने रेस्टोरेंट में कस्टमरों को ऐसे भगाते हो क्या? हम अपने कस्टमरों की तो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कस्टमर तुम्हारे जैसा हो जो हमारे एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट ना करता हो, ऐसे कस्टमर हमें नहीं चाहिए। पछताओगे? कोई बात नहीं सर, रही बात जमीन से पैसा उठाने की, अगर हमें कहीं जमीन पर पैसा पड़ा हुआ दिखता है हम उसे उठाते हैं और सर से भी लगाते हैं, हम पैसे की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन बात यह है घमंड की, तुम्हारे घमंड की जो तुम्हें पैसे की वजह से आए हुए हैं, और ये भी ज़्यादा दिन रुकने नहीं वाला है, क्योंकि पैसा और घमंड एक साथ कभी नहीं रह सकते, तो एक तो जाएगा। देखो मैं ये पैसे बिल्कुल नहीं उठाने वाला। कोई बात नहीं मनीष तुम उठा लो। सर पैसे नहीं ऑर्डर उठा लो। जी।